राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स का अंडर 23 का और सीनियर्स का ट्रायल कराने जा रहा है। अगर आप वुमेन्स क्रिकेट में हो, अंडर 23 या सीनियर्स के ट्रायल देना चाहते हो तो दे सकते हो आप। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। 20 तारीख को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने लेटर पैड में जारी किया है कि 25-26 को उनके ट्रायल्स होंगे राजस्थान के वुमेन्स टीम के सीनियर्स और अंडर 23 के लिए। तो उन्होंने उसमें एक चीज़ डाली है कि जो डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्टेड लड़कियां होंगी वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करके उसमें अपना नाम डलवा सकती हैं। अगर आप गार्जियन हैं तो आप अपनी बिटिया का डलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खिलाड़ी हैं तब भी डलवा सकती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं वे आपको बता दे रहा हूँ। आपको चाहिए 3 साल की एजुकेशन की मार्कशीट, जो अगर आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रही हैं तो थर्ड ईयर में है, तो 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है, सीनियर की देना चाहती हैं, तो आपके ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट चाहिए। दूसरी चीज़, आधार कार्ड आपका चाहिए, आपके फादर का चाहिए, आपके मदर का चाहिए, मतलब आपके गार्जियन का भी आधार कार्ड चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज़ और रिक्वायरमेंट है, आपको वोटर आईडी, पासवर्ड, पासपोर्ट में से कोई आईडी एक देनी होगी। उसके साथ साथ एक चीज़ और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपडेट किया है, योर आधार अपडेट हिस्ट्री, कि आपको ये भी ले जाना है कि आपने अपने आधार कार्ड में कोई चेंज तो नहीं कराया, या चेंजेस तो अपने आधार कार्ड में आपने नहीं कराया है। ये मस्ट है, आधार अपडेट हिस्ट्री मस्ट है आपको ले जाना। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको और कोई क्वेरी हो कि कैसे ट्रायल देना है, क्या देना है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ भी आप पूछ सकती हो या पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहाँ भी अगर आपको ट्रायल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हो।